नंबर 201 है जो सेक्टर 4 की तरफ है, और ये हम अभी सेक्टर 4 में आशीर्वाद चौक से सेक्टर 3 की ओर जा रहे हैं, जो आगे द्वारका मोड़ की तरफ चला जाएगा और सेक्टर 14 और 13 की तरफ। इधर हमारे इस तरफ ये अशोका अपार्टमेंट है, ये देखिए, और इस तरफ जो है वो ये पंचशील अपार्टमेंट है। ये रोड मास्टर प्लान रोड है और काफ़ी महत्वपूर्ण रोड है, लेकिन मैं आपको इस रोड की कंडीशन दिखाता हूँ जो यहाँ दो सालों से ज़्यादा हो गया, सो ख़राब हुए। यहाँ के लोग ये बताते हैं कि 2 साल से कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। अब ये देखिए इसका सरफेस कितना उखड़ गया है, ये देखिए, ये 2 साल से इसी कंडीशन में ये रोड है, और जब आप इससे थोड़ा और आगे जाते हैं तो ये एक चौक है, इसको जैन मंदिर चौक या अशोका चौक या सेक्टर 3, 4 और 12 का चौक भी बोला जाता है। ये द्वारका इंटरनेशनल स्कूल के सामने है। आप देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े ये पॉटहोल बने हुए हैं, ये देखिए ये पॉटहोल कितना बड़ा है। इसमें यदि कोई स्कूटर का चक्का पड़ जाए तो पूरा डूब जाएगा, और यहाँ उसके चलते लोग फिसल के गिरे भी हैं, आप ये देखिए। और ये बहुत ही ख़राब है रोड, देखिए चारों तरफ ख़राब है, ये इधर भी ख़राब है, इस तरफ सेक्टर 4 की तरफ भी ख़राब है ये पोटहोल्स, और इधर सेक्टर 12 की तरफ भी ख़राब है। ये देखिए ये बरसात के मौसम में ज़्यादा ख़राब हो गया था, और अब तो ये पोटहोल्स इतने गहरे हो गए हैं कि ये बाइकर्स के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। देखिए इसको, DDA से जब ये बोला जाता है कि रोड ख़राब है, तो DDA ये बार बार कहती है कि ये रोड मास्टर प्लान रोड PWD को जाना है, और PWD ही इसकी कारपेटिंग या डेस्क कारपेटिंग करेगा। DDA से जब ज़्यादा यहाँ की RWA जोर देती है या लिखती है या मीटिंग्स में सवाल उठाती है, तो वो DDA इसकी टेम्प्रेरी फिलिंग कर देता है। देखिए ये कैसा सीमेंट और कंक्रीट से इसकी फिलिंग की है, जो फिलिंग होती है और तुरंत उखड़ जाती है, ये देखिए इस तरीके से। तो DDA को ये ध्यान देना चाहिए कि इतना बिजी रोड जो द्वारका का एक लाइफ लाइन है, द्वारका के बीचों बीच से गुजरती है, तो उस रोड का कंडीशन ठीक होना चाहिए। और ये जो जगह जो ख़राब है, बहुत ख़राब कंडीशन में है, ये स्कूल के सामने भी है और इसके आसपास काफ़ी सोसाइटियाँ भी हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी DDA को रिपेयर कराना चाहिए।